आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना ही होगा कि मार्च 2023 से IELTS अपने लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने वाला है। वो चेंजेस यह होने वाला है कि आपने अगर IELTS दिया है और आपको जो आपका रिक्वायर्ड बैंड किसी एक मॉड्यूल में नहीं आया तो आप सिर्फ वही मॉड्यूल को फिर से रिटेक कर सकते हैं, आपको पूरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नर्सेस के लिए यह जो चेंजेस IELTS लेके आने वाला है वो बेनिफिशियल होगा, अगर वह बेनिफिशियल होगा तो किन कंट्रीज में आपको इस चेंजेस का फायदा होने वाला है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर UK से और नर्सिंग इन अब्रॉड से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्च 2023 से IELTS क्या चेंजेस लाने वाला है। तो मार्च 2023 से IELTS ऐसे चेंजेस लाने वाला है जिससे स्टूडेंट्स को जो कनाडा जाना चाहते हैं, यूके आना चाहते हैं या अलग अलग कंट्रीज में जहां IELTS का रिक्वायरमेंट होता है वहां जाना चाहते हैं उनके लिए काफी हेल्प होने वाला है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर आप IELTS में फेल हुए हैं तो आपको चारों के चारों मॉड्यूल फिर से IELTS के देने होते थे, लेकिन मार्च 2023 से IELTS बहुत अच्छा चेंज लेके आने वाला है जिससे काफी सारे लोग खुश है। और वह चेंज यह है कि अगर आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर 7 है और आप शायद लिसनिंग में आपको 6 या 6.5 बैंड आए हैं तो आपको पूरी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर लिसनिंग में 6 आए हैं और आपका रिक्वायरमेंट 7 है तो आपको लिसनिंग की टेस्ट ही देना है, आपको बाकी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो यह चेंज काफी अच्छा है क्योंकि काफी सारे लोगों का काफी सारा पैसा वेस्ट हो जाता है फिर से पूरी की पूरी एग्जाम देने के लिए। क्योंकि अगर वो लोग आपको एक ही मॉड्यूल देने के लिए कहेंगे तो हो सकता है कि आपसे जो पैसा वो अभी लेते हैं उससे थोड़ा कम पैसा लेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि यह चेंज नर्सेस के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप OET के बारे में देखेंगे तो OET में यह चेंजेस काफी पहले से लागू है। OET में भी आपका अगर किसी मॉड्यूल में जो रिक्वायर्ड बैंड है वो नहीं आता है तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को फिर से लिख के आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो ले सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले UK की बात करेंगे कि क्या UK सिंगल मॉड्यूल IELTS या OET एक्सेप्ट करता है या नहीं। UK NMC सिंगल मॉड्यूल IELTS या OET एक्सेप्ट नहीं करता है। यह काफी खुशी की बात है बाकी लोगों के लिए, लेकिन जो UK आना चाहते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स तो उनको यह पता होना चाहिए कि UK NMC IELTS या OET का सिंगल मॉड्यूल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप OET देने वाले हैं आने वाले दिनों में और आप सोच रहे होंगे कि मैं OET का सिंगल मॉड्यूल देख के जो मेरा रिक्वायर्ड स्कोर है वो ले लूंगा या ले लूंगी, तो आप प्लीज OET का जो सिंगल मॉड्यूल टेस्ट है उसे चूज मत कीजिए। और आने वाले दिनों में जब IELTS का भी चेंजेस लागू हो जाएगा तो आप IELTS में भी यह सिंगल मॉड्यूल बिल्कुल भी चूज नहीं करना। और तो आप सोच रहे होंगे कि फिर IELTS या OET का जो सिंगल मॉड्यूल है वो कहाँ कहाँ एक्सेप्टेबल है। तो IELTS का जो सिंगल मॉड्यूल या OET का सिंगल मॉड्यूल सिर्फ न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल है, बाकी किसी भी देश में सिंगल मॉड्यूल IELTS या OET में नर्सेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप अगर IELTS या OET दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपने गलती से भी सिंगल मॉड्यूल चूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सिंगल मॉड्यूल देते हैं और उसमें अगर आपका स्कोर भी आता है तो वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि UK NMC और जो बाकी गवर्निंग बॉडीज है वो इन सिंगल मॉड्यूल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। सिर्फ न्यूजीलैंड ही ऐसा देश है जहाँ पे सिंगल मॉड्यूल एक्सेप्ट होता है। तो आप बोलेंगे कि जब UK NMC एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये IELTS वाले चेंजेस क्यों ला रहे हैं। तो आपको बता दूं कि IELTS या OET सिर्फ UK आने के लिए ही नहीं दिया जाता और सिर्फ नर्सेस के लिए ही IELTS या OET नहीं है। IELTS यह टेस्ट आपकी इंग्लिश टेस्ट करने के लिए होती है और यह स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए होती है। तो आप अगर सोचते हैं कि यह अगर नर्सेस के लिए हेल्पफुल नहीं है तो क्यों बनाया है, तो इसका रीजन यह है कि जो स्टूडेंट्स अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं उनका स्कोर किसी एक मॉड्यूल पे नहीं आता है उनको हेल्प करने के लिए यह चेंजेस IELTS के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आपको अवेयर कराना चाहता था कि आने वाले दिनों में जो चेंजेस आने वाले हैं उससे अगर आप नर्स है तो ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि आपको फिर से पूरी एग्जाम देनी है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन यह है, लेकिन आप सिंगल मॉड्यूल चूज करने के पहले अपने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि क्या वह यह सिंगल मॉड्यूल एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।